हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम सेशन 21 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। अटेम्प्ट 2 है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। स्पेसिफाई द पेज मार्जिन एज नैरो एंड ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट यूजिंग पेज लेआउट टैब। सबसे पहले क्या करना है, पेज लेआउट टैब पे आएंगे और यहाँ से मार्जिन नैरो करेंगे, ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स। चलिए फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन कर लेते हैं। इंटर द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को क्या करना है, टाइप करना है। मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा है। सेट अप योर कंप्यूटर, सेलेक्ट द टेक्स्ट, सेलेक्ट कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। एंड अप्लाई बुक टाइटल हेडिंग स्टाइल यूजिंग होम टैब स्टाइल ग्रुप। क्या करना है, इसमें हेडिंग स्टाइल को अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है, स्टाइल ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे और क्या करना है, इस स्टाइल्स विंडो को इस साइड स्विच करके लाएंगे। यहाँ से बुक टाइटल के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट ऑल नो लेटर पर क्लिक करेंगे, ऑन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। चलिए एक डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। इंटर टेक्स्ट, कनेक्ट अ कीबोर्ड एज अ माउस। क्या करना है, इसे टाइप कर लेना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। चलिए यहाँ से हमने टाइप कर लिया, कनेक्ट अ कीबोर्ड एंड अ माउस, सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। एंड चेंज द फॉन्ट एज टाइम न्यू रोमन एंड बोल्ड इट एंड ऑल्सो चेंज द फॉन्ट साइज एज 18। क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉन्ट स्टाइल करना है टाइम्स न्यू रोमन, है ना। यहाँ से इसे टाइप कर लेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे और क्या करना है, बोल्ड करना है और क्या करना है, इसमें साइज करना है 18। यहाँ से अप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स। चलिए फिर से एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। इंसर्ट अ इमेज यूजिंग इंसर्ट टैब पिक्चर्स, अलाइन द पिक्चर टू द मिडिल सेंटर यूजिंग फॉर्मेट टैब, पोजिशन पोजिशन इन मिडिल सेंटर विद एंसर टेक्स्ट रैपिंग। क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट टैब में आएंगे, एक पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। चलिए यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं और क्या करेंगे, इसमें फॉर्मेट टैब में आएंगे और यहाँ से क्या करना है, पोजीशन आना है। पोजीशन से क्या करना है, इसमें मिडिल पोजीशन करना है, ये रहा, क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से फोर नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स। चलिए फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। ऐड अ मेंशन, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। मैंने टाइप कर लिया, टाइप कवर पेज टू द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग इंसर्ट टैब कवर पेज, नाउ सिलेक्ट द टेक्स्ट हियर, डिलीट इन एंड एंटर 218। क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है कवर पेज को, तो इंसर्ट टैब में आएंगे, कवर पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी कवर पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करना है, टाइप करना है 2018, आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से फाइव नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं।
ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटर द टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसे क्या करना है, टाइप करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, पेज में कंट्रोल सी से पेस्ट कर देंगे, एंड अलाइन ई टू सेंटर यूजिंग होम टैब पैराग्राफ, क्या करना है, इसे सेंटर कर लेना है। चलिए यहाँ से हम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और सेंटर पे क्लिक करना है, सेंटर हो गया। और क्या कर रहा है, यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप सेंटर ऑल्सो अप्लाई बॉर्डर, अब क्या करना है, इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ऑन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक, कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, चलिए फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट कनेक्ट मॉनिटर, क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। इन द टेक्स्ट लाइन टाइप कनेक्ट अ कीबोर्ड एंड अ माउस, क्या करना है, इसे भी क्या करना है, टाइप कर लेना है। चलिए यहाँ से हम कंट्रोल सी भी का प्रयोग करके और यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, टाइप कर दे रहे हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट एज अप्लाई नंबरिंग अलाइनमेंट राइट यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप नंबरिंग, क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है, इसे नंबरिंग अप्लाई करना है। तो पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, कोई भी लेफ्ट है राइट अप्लाई करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा आपका राइट, क्लिक करेंगे, ऑन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, चलिए फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। एड पेज नंबर ऑफ द एड पेज नंबर टू द बॉटम ऑफ द पेज इन एनी स्टाइल टू द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द ऑप्शन इंसर्ट टैब हेडर एंड फुटर पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, क्या करना है, सिर्फ इंसर्ट टैब में आएंगे और हेडर एंड फुटर ग्रुप में पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फोर बटन ऑफ पेज पे आएंगे और यहाँ से नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, चलिए फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। पब्लिश इन इट इन पीडीएफ फॉर्मेट यूजिंग फाइल टैब एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ इंटर फाइल नेम यूजर मैनुअल, इस नेम से क्या करना है, पीडीएफ को क्रिएट करना है। चलिए मैंने इसे कॉपी कर ले रहा हूँ कि टाइप करने में आसानी रहेगी। इन द पॉपअप विंडोज एंड क्लिक पब्लिश, क्या करना है, फाइल टैब में आएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट में आएंगे, यहाँ से क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम क्या करना है, यूजर मैनुअल टाइप करना है और यहाँ से पब्लिश कर देना है, इससे आपका पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। ऑन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, चलिए फिर से एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। सेट द पेज साइज टू A4 यूजिंग पेज लेआउट टैब एंड सेव द डॉक्यूमेंट्स ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम यूजर मैनुअल यूज फाइल टैब, क्या करना है, पेज लेआउट टैब में आएंगे और साइज में A4 चूज करेंगे, फाइल में आएंगे और यहाँ से सेव करेंगे, डेस्कटॉप चूज करेंगे, यहाँ से यूजर मैनुअल के नाम से इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी और फाइल नेम जगह पर कंट्रोल सी से पेस्ट किया, सेव करेंगे, ऑन सेव करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन सबमिट हुआ। यस आई एम पे क्लिक करेंगे, एंड एग्जाम को इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे जब तक ओके का विंडो हाईलाइट ना हो जाए। यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं अटैम्प्ट 2 था, 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।